सब के पूरे दिन वापस आने वाले हैं। ओए जलील जनानी, इतना इतरा मत। अगर मेरा बेटा अपने पे आ गया ना, तो तेरी ओ माय माता करके रहेगा, कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। हम ओबरॉय को नहीं जानती तू। ओ माय माता, भाग्यों का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पाई। देखा जाए तो तेज और जानवी के बारे में 24 घंटे कुड़कुड़ 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 उफ करती रहती हो, पर जब उनके खिलाफ जाने के लिए कहा जाए तो तुम्हारी ओ माय माता हो जाती है। अब आपके पति के बारे में क्या कहूँ? राम राम जपना पराया ना, आप तो बस पाठ पूजा करते रहिए। ओंकारा, मेरे एक्स मंगेतर, भले ही हमारा रिश्ता ना जुड़ा हो, पर आज हम रिश्तेदार बन ही गए। क्या कहते थे तुम? शिवाय, शिवाय सिंह ओबरॉय कभी हारता नहीं। Say thanks to me, मैंने तुम्हें वो भी सिखा दिया। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, पहली हार है। Hey, और फिक्र मत करो, पहली है आखिरी नहीं। मैं तुम्हें बार बार मात देती रहूंगी। शिवाय बेबी, अब सब कैसे ठीक होगा? सॉरी शिवाय बेबी, आई विल फिक्स दिस वाला शिवाय। अब कुछ ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि रुद्र का सुपर हीरो भाई अब सुपर जीरो है। क्या हुआ? हे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आवाज तो नहीं चली गई शॉक के मारे? कम ऑन शिवाय बेबी, कुछ बोलो तो सही। वो क्या बोलेंगे दी, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई है, वो भी उनकी प्यारी बीवी की वजह से। अगर अनिका भाभी नहीं होती तो शायद हमारा प्लान फेल हो जाता है ना भाभी? ये लड़की क्या बकरी है अनिका। अनिका, तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, बताइए ना भाभी। ओ भाभी इमोशनल हो गई, नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इन तीनों भाइयों को मेरे बारे में पता चल गया था, इसलिए इन तीनों ने मुझे किडनैप कर लिया, ताकि रुद्र भव्या की शादी में मैं कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर पाऊँ। इन ऑल थैंक्स टू अनिका भाभी, इन्होंने शिवाय भैया से चाबी चुरा कर मुझे फ्री कर दिया। थैंक यू सो मच भाभी। ओ हाउ कैन आई फॉरगेट, भाभी ने तो भव्या को किडनैप करने में भी हमारी हेल्प की थी। बेचारी भव्या, आई एम श्योर वो अब तक उस शौक से बाहर नहीं निकल पाई होगी कि उसकी प्यारी अनिका भाभी ने उसके साथ ऐसा कैसे किया। बट एनीवे, थैंक यू सो मच भाभी, आप नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। कम ऑन, शिवाकर तब से आपको ये कुछ मत बोलो। बताओ अब क्या करना है? डोंट वरी, अब जो भी करना है हम कपूस ही करेंगे। तुम ओबरॉय की बर्बादी का तमाशा देखेंगे। अफसोस तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तमाशा होगा जरूर, लेकिन तुम नहीं देखोगे, तुम तमाशा बनोगे।
राइड होम। लगता है सदमे में दोनों पागल हो गए हैं। ऐसे ऐसे हाँ? तुम क्यों रो रही हो? और आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे रूड़ी की शादी हो गई है। ए, गौरी खड़ी क्यों हो? मिठाई बांटो सब में, कम ऑन। अन्ना और ढोल बजाओ ढोल। क्यों रुद्र की शादी है? नाचो नाचे, रुद्र की शादी हुई है, हम डांस करिए, हमारे रुद्र की शादी हुई है। बौखला गए हैं, हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे बड़े पापा नाचिए, बड़े पापा नाचिए, रुद्र की शादी हुई है। स्टॉप इट, क्या बकवास चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? I like a spirit, Shivai. वरना अपनी बर्बादी पर कौन नाचता है? सही कह रही हो, हम लोग बर्बादी को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं, तुम्हारी। कहना क्या चाहते हो? वैसे तुम्हारी बहन की मुंह दिखाई तो हो गई, क्यों ना अपने जीजू की मुंह दिखाई भी कर लो। शो क्या? यार हो मुंह दिखाई के लिए? सौम्य तुम ये मत सोच लेना कि इससे तुम्हारी शादी हो गई। हम ओबरॉयज ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं करते। इस एक्टर को ये रोल अदा करने के लिए अच्छी खासी रकम दी गई है। से ऐसे बात करो, जीजा है तुम्हारा, सौम्य का पति परमेश्वर। शंकर जी, इसका मतलब हमारे रूडी भैया की शादी चंद चिरैया से हुई नहीं। मैंने कहा था ना दी, शिवाय को हराना इम्पॉसिबल है, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, और अब देखिए हमारी सौम्या के साथ क्या हो गया। आई कांट बिलीव दिस, ये हुआ कैसे? वो सब तो ठीक है, हमें ये बताओ कि रुद्र और भव्य कहाँ है? रूडी,
रुद्र और भव्य की शादी हो चुकी है और इसीलिए तो हम दोनों आप सबको डांस करने को कह रहे थे। कितना नहीं भाभी, आपकी वजह से ही तो भैया हमें ढूंढ पाए। कैसे? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, पहले नए जोड़े को बड़ों का आशीर्वाद लेने दो। कम ऑन जाओ। बस 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 बस, हमेशा खुश रहो। छुओ पैर, छुओ बराबर पैर, छुओ इस बार। खुश रहो बेटी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। गुस्सा, दादी कहती है कि शगुन वाले दिन ना गुस्सा नहीं करते। एक सेकंड, आना आना, जल्दी आना, चलिए। मुंह मीठा तो करना बनता है, नहीं? आखिर तुम्हारी बहन और मेरे भाई की शादी हुई है आज। क्या हुआ स्वेतलाना? अरे लड़ाई वड़ाई को छोड़ो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों, हम ओबरॉयज की एक प्रथा है, खुशी के मौके में दुश्मनों का भी मुंह मीठा करते हैं। मुंह मीठा करो। मुबारक हो। भैया एक मिनट, जिसकी शादी हुई है उसका मुंह मीठा कराना भी जरूरी है कि नहीं? वापस आना यार। हाँ यहाँ पर लड्डू, वहां पर। ये थैंक्स। सोचा नहीं था कि हमारी शादी एक ही दिन होगी। रुको, अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। अब यार अपनी सौतन कम सहेली का मुंह मीठा नहीं करूंगी। पर बहुत गलत बात, तुमने अभी तक अपने हैंडसम दूल्हे से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं कराया। हमारा नाम राम नारायण शंकर है, प्लीज टू मीट यू। जस्ट शट अप। मैं इस शादी को नहीं मानती। You know what, Soumya? लेकिन कोर्ट इस शादी को जरूर मानता है और तुम्हारी बहन तुम्हें खुद बताएगी पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग किसने की थी और उसे मीडिया वालों को किसने भेजा था। दी, दी क्या हो गया दी? अब मैं क्या करूं? हमने तो इतना परफेक्ट प्लान बनाया था, तो ये सब कैसे हो गया? मैं बताता हूं कैसे हुआ। हमें पहले ही पता चल गया था कि तुम लोग दुल्हन बदलने वाले हो, तो हमने भी दुल्हा बदल दिया। लेकिन कैसे? आप लोगों ने तो मुझे किडनैप किया था ना, तो आपको कैसे पता चला कि भव्या की जगह मैं हूँ? क्योंकि मुझे पहले से ही शक था कि ये शादी आसानी से नहीं होगी, लेकिन जब अनिका ने मुझे अपनी मेहंदी दिखाई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उसकी मेहंदी में लिखा था ओए ओए। आप मेरे हाथ में ना ओए ओए लिखिए। क्या? पर मेहंदी में तो पति का नाम होता है।
हमारा कोड वर्ड है जो हम तभी यूज करते हैं जब कोई खतरा हो। जैसे ही मैंने उसकी मेहंदी पढ़ी मैं समझ गया कि दुल्हन बदल चुकी है। मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने मेहंदी देखी ही नहीं ताकि हमारे दुश्मन हमसे सतर्क ना हो, और उसके बाद ओमकारा को इशारा दिया। जैसे ही शिवाय ने मुझसे कहा कि और फूल लगेंगे मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, वरना शिवाय खन्ना को भेजने के बजाय खुद क्यों जाएगा, वो भी फूल लेने। और मेरे डाउट को कंफर्म करने के लिए मैं और ओम सौम्या को चेक करने गए, लेकिन वहां हमें सौम्या की जगह भव्या मिली। यहां क्यों है? हनिका ने अपनी मेहंदी के जरिए मुझे इशारा दिया है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे बता नहीं पाए लेकिन जरूर सौम्या। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम लोगों ने एक गलती की, और वो गलती ये थी कि भव्य को उसी जगह छुपाया जहां हमने सौम्य को छुपाया था। प्लान अच्छा था लेकिन ओरिजिनल नहीं था। जैसे ही कंफर्म हुआ कि दुल्हन बदल चुकी है हमने दूल्हे को बदलने का प्लान बना लिया। पैसा सब खरीद सकता है, दूल्हे को भी। बाय द वे गाइस, वो लाइट भी हम ही ने ऑफ करवाया था, और अंधेरे का फायदा उठाकर हमने दूल्हे को बदल दिया। फिर पता है क्या हुआ? सौम्या की शादी राम नारायण से हो गई और मेरी भव्या से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।